अरे तो मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, ऐसा बिजनेस जो पूरे फुरफुरी नगर में किसी ने भी नहीं किया हो। भेज दिया। जय हो, मिल गया नया बिजनेस का आइडिया। क्या बात है, अभी अभी सोचा और अभी के अभी बिजनेस करने के लिए मैसेज भी आ गया। शिप का बिजनेस करूँगा, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। तुम शिप का बिजनेस कर ही नहीं सकते। वो तो तुम शिप का बिजनेस कैसे करोगे? अरे पतलू बिल्कुल कर सकते हैं। और तुम जॉन क्या समझते हो अपने आप को? मैं हर काम कर सकता हूँ, तो शिप का बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? वादा करो। हाँ हाँ वादा करता हूँ, पक्का वादा। जबान देते हो? हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। पर मोटू तुम ये करोगे कैसे? अरे पट्टू ये देखो, मुझे अभी अभी मैसेज आया है। अरे कंपनी लोन देती है 50%। अरे अब तो मेरे लिए और भी आसान हो गया है। तुम नहीं कर सकते। मोटू तुम नहीं कर सकते। मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया मोटू ने वादा किया है कि अब शिप का बिजनेस नहीं करेगा तो मोटू फुरफुरी नगर छोड़कर चला जाएगा। ओके मोटू, एक हफ्ते में मिलते हैं। जान बनेगा डान। मोटू को शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, अब उसे रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और मोटू को शहर के बाहर तक छोड़ के मोटू की वजह से मुझे भी शहर छोड़ना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों शहर छोड़ना पड़ेगा, हमने इतने सारे बिजनेस किए हैं, ये भी कर लेंगे। अरे मोटू शिप का बिजनेस करने के लिए समुंदर चाहिए, शिप समुंदर में चलता है। यहाँ आसपास समुंदर कहाँ है? समुंदर कहाँ से लाओगे? अरे समुंदर कहीं तो होगा। हाँ कहीं तो होगा, पर शिप का जमीन में चलकर जाएगा। शिप का बिजनेस समुंदर से चलता है तो शिप भी समुंदर में ही खड़े रहते हैं, सामान वहीं से लोड होता है और शिप वहाँ से ही निकलता है। कुछ समझ में आया? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब क्या करूं, गलती हो गई रे। आइडिया डॉक्टर झटका, क्या आप नंबर 2 जश्न मनाओ, पार्टी करो, अब मोटू शहर छोड़ के जाने वाला है। बॉस बॉस अब हम जंगल में नहीं रहेंगे, हम मोटू पतलू के घर में रहेंगे। क्या बात बोली है रे नंबर 1, चलो चल कर देखते हैं कि मोटू ने अपनी पैकिंग शुरू कर ली है कि नहीं। अरे आपको नहीं पता, मोटू पतलू ने शिप का बिजनेस शुरू किया है। ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हो? समुद्र कहाँ है, चलाओगे कैसे? अरे तुम्हें क्या, कैसे भी चलाए हम चलाएंगे, समुद्र नहीं है। चलो भैया सामान लोड करो, समुद्र नहीं है। मोटू पतलू जी लोडिंग हो गई है। ओके ओके सामान पहुंच जाएगा, नो टेंशन। Oh,
हेलो, अब शिप नहीं उड़ेगा, कभी भी जाकर गिर जाएगा। यार गैस लीक हो रही है, हमें लैंड करना पड़ेगा। मतलब कुछ करो। ओ मेरे भाई मेरी यार, यह चलो अच्छा हुआ किसी सेफ जगह लैंड हुए हैं। मैं जाकर गैस पाइप ठीक करता हूँ। पत्रो, हमारे इंजन रूम के ऊपर ये जॉन की टीम की पेंटिंग क्यों बनी हुई है? ओड़ी बबरी, एकदम रियल लग रहा है। भैया माँ, इनकी तो आँख कितनी हिलती है, मुझे तो ये भूत लगते हैं। चिंगम सर, अरे ये तो असली लग रहे हैं। अरे बहनों, आ जाओ, इनके ऊपर बैठ जाओ, फ्री की सवारी मिल रही है। इसकी सारी मशीनें खराब कर दो। ओए मोटू मेरे भाई मेरी यार, ये शिप तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है यार, ये देखो गलत डायरेक्शन दिखा रहा है यारी। पर ये कैसे हो सकता है, जॉन की टीम तो चली गई, पर अब कौन हो सकता है? नीचे जरूर कोई वायर निकली होगी। मैं अभी नीचे जाकर वायर ठीक करता हूँ। ओए मोटू मेरे भाई, याद रखो, लाल वायर को येलो से और येलो वायर को रेड से जोड़ना है यारी। ठीक है बड़े भैया, ओके। क्या बोल रहे थे बड़े भैया, लाल को लाल से और येलो को येलो से? ओए मोटू मेरे भाई मेरी यार, ये तुमने क्या कर दिया? लगता है मैंने वायर्स को उल्टा ऊपर पे जोड़ दिया। हाँ ये सही है। चिपकी हुई पेंटिंग, जरूर ये जॉन ही होगा। खींच के निकालो इन्हें। हम कुछ भी करते हैं हमेशा फेल ही हो जाते
सर बचा लो। अरे नहीं नहीं, कुछ देर और मजे ले लो। शिप को बॉम्ब से उड़ाने का इरादा था ना। तब तक हम कार्टून उठाते हैं। ओके प्लीज। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।